नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कोमल जेबा। डेली न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महिलाओं की आजादी की। विभिन्न क्षेत्र की महिलाओं से हम बात करेंगे कि आज आजादी के 7 दशक बाद भी महिलाएं कितना आजाद हो पाई हैं। हम आज बात करेंगे जाने माने चिकित्सक बिंदा सिंह से और जानेंगे कि क्या सामाजिक बंधन को तोड़कर महिलाएं आज पूरी तरह से आजाद हो पाई हैं? क्या आजाद भारत में महिलाओं को पूरी तरह आजादी मिल पाई है? जी कोमल जी, सबसे पहले तो 15 अगस्त की सभी को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और आपने जो प्रश्न किया वाकई बहुत ज़रूरी था महिलाओं के लिए, क्योंकि आज़ादी तो भले ही हमने 72 साल शायद पूरे करने वाले हैं, लेकिन महिलाएं आज भी अगर हम देखें तो डिप्रेशन के मरीज़ ज़्यादा हो गई हैं, खास करके महिलाएं, क्योंकि महिलाएं दोहरा भूमिका निभा रही हैं। एक तो अपने घर को भी देख रही हैं, दूसरा एक कंपटीशन हो गया कि उन्हें एक वर्किंग वुमेन भी खुद को दिखाना है, मतलब खुद को एकदम सुपर वुमेन दिखाने के पीछे वो बहुत ज़्यादा परेशान है। गृहिणी भी हैं, बाहर का भी काम कर रही हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि प्रेशर वो बहुत ज़्यादा झेल रही हैं। अगर आप बात करें महिलाओं की जो बाहर निकलती हैं, तो आप देखेंगे कि जितनी महिलाएं बाहर जा रही हैं, कहीं ना कहीं वो परेशान घर में होती हैं, लेकिन चेहरे पे एक मुस्कान लेके वो बाहर के काम को करती हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरी चीज़ कि हम आज़ादी की बात कर रहे हैं तो हाँ, पहले से बेहतर हुआ है, क्योंकि महिलाओं को पता चल गया है कि मेरी अधिकार क्या है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ हम जी भी सकते हैं। तो खुद के लिए थोड़ा उन्होंने जीना सीख लिया है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो जीना नहीं चाहती हैं और जीने के लिए उनमें ललक नहीं है। लेकिन जो दूसरी चीज़ है कि आज भी पुरुषों की जो मानसिकता है महिलाओं को लेके, वो बहुत ज़्यादा बदली हुई है। कहने को तो हम कहें कि हाँ, पुरुष कहते हैं महिलाओं को कंधे से कंधे मिला के चलना, लेकिन आज जिस तरह डिप्रेशन के मरीज हमारे पास महिलाएं आ रही हैं, उनको देख के तो ये नहीं लगता है कि हम आज पूरी तरह से आज़ाद हो गए। ठीक तौर पे इंडिपेंडेंट हो जाने से महिलाएं आज़ाद हो जाती हैं? बिल्कुल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि वो आर्थिक थोड़ी सी तो उन्हें इंडिपेंडेंट होने की भावना की वजह से थोड़ी कॉन्फिडेंस बढ़ी है अपने बच्चों को या खुद के लिए, उन्होंने सोचना सीख लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अगर आप पुरुष की बात करें तो मानसिकता पुरुषों की अभी भी वही है, बहुत कम लोग हैं। अभी नया जनरेशन में थोड़ी सी सोच बदली है, हम नहीं कहेंगे इसको कि नया जनरेशन पहले की तरह है, लेकिन जो अब बीच वाले लोग चल रहे हैं, अभी भी देखिएगा कि हाँ, महिला काम करने जाती हैं, घर का काम हुआ या नहीं, बच्चों को आपने देखा नहीं, आप आराम से आ रहे हैं, कहाँ थी इतने लेट, आपको क्यों रहनी थी। तो ये सारे जो क्वेश्चन है, क्या एक महिला के अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ने देता है? वो खुद को तो ऐसा लगता है जैसे बंधी हुई है, इंजॉय कर नहीं सकती है, सिर्फ आप काम कर रहे हैं, काम करके घर आ रहे हैं, अगर आपने थोड़ा स्पेंड टाइम किया तो क्यों किया, कहाँ किया, किसके लिए किया, तो ये क्वेश्चन उनके सामने प्रश्न चिन्ह बन जाता है। आप उसके बाद भी देखेंगे अगर महिलाएं काम करती हैं, पुरुषों के नज़रिया वाह, कहने की कोई बात ही नहीं है, ज़रूर कुछ ना चाहे आप इसमें काम कर रहे हो, किसी आप शॉप में काम कर रहे हो या कोई मॉडलिंग, अरे ये लड़की, ये महिला, अरे ये तो, मतलब उसके लिए जो शब्द निकलते हैं उनके, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल नहीं रहते। तो महिलाओं को हम तो ये कहेंगे कि पहली चीज़ की पुरुषों की नज़रिया को बदलना बस में नहीं हो, लेकिन आप अपनी नज़रिया को जरूर बदलने की कोशिश करें और खुद को इतना इंडिपेंडेंट बनाएं कि इमोशनली, सोशली और इतना इंडिपेंडेंट हो कि जो पुरुष की जो हमारे ऊपर जो इसको कहते हैं बौद्धि, उसको हम खुद कम कर सकते हैं। क्योंकि जब तक महिलाएं अपने बारे में सोचना नहीं शुरू करेगी, तब तक ये पुरुष हमेशा उनको दबाते रहेंगे। और एक बार घर से बाहर निकल जाती हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और आप जरूर कर लेंगे। इस चीज़ को हम निगेटिवली नहीं लेंगे कि महिलाएं आज भी दबी हुई, नहीं करना है कि हमें प्रयासरत होना है और आज़ादी का असली माने हमें खुद समझना है कि अगर हम आज़ाद हैं तो हमें मेंटली भी आज़ाद होना है। आज़ादी के 7 दशक बाद भी महिलाओं को किन किन चीज़ों से आज़ादी मिलनी चाहिए? सबसे पहले तो महिलाओं को एक फैमिली सपोर्ट से, परिवार में अगर उनको पति से, बच्चों से, पिता से अगर एक सपोर्ट मिलता है तभी उनके अंदर आत्मविश्वास आता है। शिक्षित करना, हम लोग आज का एक नारा भी है, महिलाओं को पढ़ाओ, शिक्षित करो, इंडिपेंडेंट बनाओ, तो इसके लिए घर वाले से मतलब एक अपील करेंगे माता पिता से कि आपके लिए बेटे और बेटियों में फ़र्क नहीं होना चाहिए, आपने जिस तरह अपने बेटों को बड़ा करने का सोचा है उस तरह अपनी बेटियों को भी बड़ा करने के लिए आप, क्योंकि बच्चा आपका जो लड़की है अगर घर में ही भेद देखती है तो शायद उसका आत्मबल कमजोर हो जाता है।
तो इसलिए पहला अभिभावक से कहेंगे कि स्टार्टिंग वहीं से कीजिए। एक लड़की को भी ये सोच के बड़ा मत कीजिए कि ये लड़की है और इसे शादी करके किसी और के घर जाने। आप इस तरह बड़ा कीजिए कि जिस तरह आपने अपने बेटे को पढ़ लिख के इंडिपेंडेंट बनना है, उस तरह अपने बेटे को करिए। ये बात चाहिए बेटा। तो यहाँ पर पहला जो आपने क्वेश्चन किया कि कैसे करना है, तो फैमिली सपोर्ट स्टार्टिंग वहीं से हो जाएगी। जब परिवार का बल मिलेगा तो महिलाएं कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करने में पीछे नहीं। हमारे देश में आज भी ऐसे लोग हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ने दे रहे हैं, उनका पूरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन आज भी कई ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ें, आज़ाद हो। तो ऐसे कौन से लोग हैं और उनकी क्या मानसिकता रहती है, उनकी मनोवृत्ति क्या होती है ऐसा सोचने के पीछे? तो एज ए डॉक्टर आप क्या सोच, आपकी क्या राय है? बिल्कुल, अगर इस तरह की मानसिकता उन्हीं लोगों में होगी जिनकी परवरिश संकीर्ण तरीके से होगी, उनका खुद का फ्रस्ट्रेशन होता है। आप देखेंगे जो पुरुष महिलाओं को अगर देखे कि वो आगे बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं उनका, अगर वो स्ट्रांग रहते हैं तो उन्हें तकलीफ नहीं होती है, लेकिन अगर वो फ्रस्ट्रेशन में रहें तो नहीं चाहेंगे कि महिलाएं उनसे ज़्यादा आगे बढ़े। और दूसरी चीज़ उन्हें लगता है कि क्यों भाई, हम आए घर में तो मेरी पत्नी एकदम रेडी रहे उनके लिए चाय और नाश्ता लेके, ये जब ऑफिस से आएगी तो हम लोग दोनों बराबर बैठेंगे तो वो मज़ा नहीं आ पाता उनको ना। तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि नहीं, इन महिलाओं को तो घर में, घर की हैं, घर में ही अच्छी लगती है, ये बहुत सुना है हमने। तो ये संकीर्ण मानसिकता ही कह सकते हो। और हमारा वो पौरुष जो हम लोग का एक थॉट है, संस्कार में हमें सिखाया कि लड़के हमेशा सुपीरियर होते हैं, हमेशा लड़कियों को उनसे नीचे रहना होता है, इस तरह के विचार वाले जो पुरुष होते हैं वो ज़्यादातर इस तरह की बातें सोचते हैं। आपके पास तो महिलाएं आती होंगी ऐसा जिनको घर में फैसले लेने की आज़ादी नहीं होती होंगी, बहुत सारी महिलाएं जो डिप्रेस रहती होंगी, तो उन महिलाओं को आप कैसे हैंडल करती हैं और उनको आप क्या सीख देते हैं? डिप्रेशन की मरीज़ तो बहुत आती हैं, और जब भी डिप्रेशन की मरीज़ आई हैं उनमें हमने ज़्यादातर देखा कि टॉर्चर होती हैं, फिजिकली तो होती हैं, मेंटली बहुत होती हैं। और एक महिला को जब घर में इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है, उसके किसी काम के लिए नहीं मिलता है या किसी भी चीज़ के लिए नहीं मिलता है, टूट जाती है, तो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन। तो सबसे पहले उन्हें स्ट्रांग बनाने के लिए, उनके अंदर के कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, इसके लिए ज़रूरत पड़ती है। तो उसकी फैमिली काउंसलिंग में जो जिसकी वजह से वो सफ़र कर रही है उसको भी बुलाया जाता है, और साथ साथ उसके अंदर के कॉन्फिडेंस के लिए कॉग्निटिव थेरेपी दी जाती है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जहाँ महिलाओं ने खुद को अपने को बंद कर रखा है, उसे निकाला जाता है। उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के बाद देखा जाता है कि खुद जीने की उनमें ललक पैदा होती है, और एक बार वो जब खुद को पहचानना शुरू कर देती हैं उन्हें लगता है नहीं, मुझे जीना चाहिए और मेरा भी राइट है कि मुझे अच्छे से जीना है। तो उसके लिए अगर थोड़ी पढ़ाई लिखाई छूट गई है या उन्होंने काम करना बंद किया है तो छोटे स्तर पर भी शुरू करती हैं। तो और आज आप महिलाओं के हस्बैंड को या फैमिली वालों को भी आप बुलाते हैं काउंसलिंग के लिए कि उनको ज़रूरत है आज़ादी की? बिल्कुल, आज़ादी के लिए नहीं, कम से कम एक इमोशनल सपोर्ट तो दे। जब आप एक इमोशनल सपोर्ट एक महिला को देते हैं तो थोड़ी आज़ादी तो उनके दिमाग में वहीं आ जाती है। और एक पति जब सपोर्ट करता है तो एक महिला कहीं भी छोटा सा काम, आप देख रही हैं कि महिलाएं घर बैठ के भी बहुत सा ऐसा काम कर ले रही हैं जो अच्छा अर्न करती हैं, उनके अंदर अच्छा कॉन्फिडेंस है। तो ये चीज़ें करनी है तो मदर इन लॉ को भी बुलाना पड़ता है, कभी कभी उसके माँ बाप को बुलाना पड़ता है, कभी पति को बुलाना पड़ता है, पर जिससे जो कारण है उस कारण की खोज करके उससे उसे निकाला जाता है। आपको क्या लगता है कि जो आज़ादी है महिलाओं को लेकर, लड़कियों को बचपन से सिखाया जाता है ये मत करो वो मत करो, ऐसे रहो वैसे रहो, तुम लड़की हो तुमको ये नहीं करना है, तो क्या हमारे घर से हमारे अपने लोग ही हैं जो हमारी आज़ादी को रोकते हैं? बिल्कुल कोमल जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, स्टार्टिंग हमारे घर से होती है। अगर हम बच्चे को शुरू से बताएं कि तुम पढ़ाई लिखाई करो, तुम्हें दूसरे के घर जाना है, तुम ऐसे चलो, तुम्हें सीधा नहीं खड़ा होना है, लोग क्या कहेंगे, तुम कुछ मत करो, शर्म नहीं, शर्म हाया, हम महिलाओं की लड़कियों की जो बहुत बड़ी ये प्रॉपर्टी होती है। तो लड़कियां शायद यही लेके, जैसे आप छोटी सी बात कर रही हैं, आप बच्चे को खिलाते हैं, आप देखते हैं कि छोटी बच्चियों को हम लोग किचन सेट दे देते हैं, लड़कों को दे देते हैं गाड़ी, क्यों भाई, दोनों को आप किचन सेट क्यों नहीं देते, दोनों को आप गाड़ी चलाने के लिए क्यों नहीं देते हैं? तो यहाँ भेदभाव तो माँ बाप शुरू करते हैं ना, लड़कियों को बताते नहीं तो हाँ बस घर के काम किए जाए।
तो जब इस तरह की भावनाओं को लेके हम बच्चों को बड़ा करते हैं तो कैसे उम्मीद करते हैं कि बच्चियाँ अपने अधिकार को समझेंगी या अपने आप को आज़ाद बनाने की कोशिश करेंगी। तो स्टार्टिंग घर से होनी है और हर माँ बाप को, आज हम जो लड़कियों को बोल रहे हैं लड़की पढ़ाओ, तो हम तो यही लड़कियों को कहेंगे कि तुम इतना पढ़ो कि आने वाले जनरेशन में तुम अपने लड़कियों को स्ट्रांग बनाओ। आपने कहा कि इतना ज़्यादा तुम पढ़ो कि स्ट्रांग बन जाओ, तो क्या आपको लगता है कि आर्थिक तौर पे लड़कियाँ अगर इंडिपेंडेंट हो जाती हैं तो वो आज़ाद हो जाती हैं? देखिए, हमने ये नहीं कहा कि आज़ाद हो जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप इंडिपेंडेंट होती हैं तो निर्णय लेने की क्षमता आपको बढ़ती है, कॉन्फिडेंस आता है, आपके पास पैसा होता है, आप अपने पति अपने बच्चे के पास गिड़गिड़ाने के लिए नहीं जाती, तो कोई भी डिसीजन लेने के लिए आप स्वतंत्र तो होती हैं। जब एक बार स्वतंत्रता आपको मिल जाती है, ये नहीं कि महिलाओं को आज़ादी मिली तो वो गलत इस्तेमाल करती हैं, बिल्कुल नहीं, बड़ी सेंसिटिव होती हैं। आप गौर कीजिए कि महिलाएं जितनी भी होती हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचती हैं, वो तो शुरू से ही दूसरे के लिए सोचने के लिए, पता नहीं भगवान ने क्या हमारे महिलाओं के अंदर में ये चीज़ें बनाई हैं कि वो हमेशा चाहती हैं उसकी फैमिली, उसके सराउंडिंग में जो लोग हों सब खुश रहें, सब स्वस्थ रहें, और वो किसी का बुरा चाहती ही नहीं। तो अगर ऐसी महिलाएं हैं तो मुझे तो लगता है कि पुरुषों को महिलाओं को बहुत सपोर्ट करना चाहिए। और बिल्कुल आपकी ये बात सही है कि अगर हम शिक्षित होते हैं तो पूरी तरह आज़ाद नहीं होते, पर हद तक आज़ाद जरूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर सोचने की क्षमता हो जाती है। अभी कितनी लड़कियों को पता है कि मेरा अधिकार क्या है? अगर ससुराल से हटा दिया जाता है तो उनको ये भी पता नहीं कि मेरे फैमिली, मेरे अपने माँ बाप अगर नहीं रखेंगे तो उनका भी कोई अधिकार है? पति के साथ उनका क्या अधिकार है? सॉरी। तो ये पढ़ाई लिखाई बहुत ऐसी चीज़ होती है जिससे आप बहुत कुछ अच्छा सोचते हैं, ठीक है? तो ये मत कहें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अगर आप पढ़ी लिखी होगी तभी एक सही निर्णय ले पाए। आज़ादी के 71 साल बाद भी आज महिलाएं, देश की आधी आबादी से ज़्यादा महिलाएं स्वतंत्र नहीं हैं, आज़ाद नहीं है, वो अपने फैसले नहीं ले सकती हैं। बड़े शहरों में तो लड़कियां आज अपना करियर, अपना लाइफ पार्टनर चुन ले रही हैं, लेकिन छोटे शहरों में उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। तो ऐसा क्या किया जा सकता है कि लोगों की सोच में परिवर्तन आ सके? देखिए, जागरूकता तो आप लोग ही दे रही हैं सारे लोगों को। आज आप कुछ लोग देखेंगे तो उनके दिमाग में ज़रूर आएगा कि लड़कियों को भी हमें अच्छे से पालना है। तो एक सोच को बदलने के लिए अचानक नहीं बदल सकते, पर धीरे धीरे इंसान में अब जागरूकता आई है, उन्होंने महसूस किया है कि लड़के लड़कियों में फ़र्क नहीं है और अधिकार। अभी पति लोगों को भी ये सोचने की ज़रूरत होगी है कि पत्नी अर्धांगिनी नहीं, पूरे हर चीज़ के लिए उनका निर्णय लेना, फैसला लेना उनका एक अधिकार भी आता है। तो आपकी एक बात बहुत सही है कि शहरों में तो लड़कियाँ आज़ाद हैं, लेकिन आज भी गाँव में निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, पर जागरूकता लाने की ज़रूरत है, शिक्षित करने की ज़रूरत है। और गांव में भी लड़कियों को टाइम टू टाइम इस तरह के मोटिवेशनल जो भी काउंसलिंग होती है वो करनी चाहिए, और ग्राम पंचायत स्तर पे हो, और आजकल बहुत सारे हमने देखा कि जाते भी हैं इस तरह का करते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिससे आप सोच को बदल सकते हैं, तो पॉजिटिव सोचना है हमें। पर ये बात आपकी बहुत हद तक सही है कि आज़ाद हम हो गए हैं, पर अभी भी हम लोगों की गुलामी के अंदर ही हैं, से निकलना है। आज़ाद भारत की आज़ाद महिलाएं अब कितना हद तक आज़ाद हो पाएं, उन्हें लगता है वाकई में कि वो आज़ाद हो चुकी हैं, हम अपने घर के फैसले ले सकते हैं, ये सोच लेने से कि क्या हम आज़ाद हो गए हैं? बिल्कुल, थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर अगर हम हमेशा खुद को ये गुलाम बना के रखेंगे तो गुलाम ही रह जाएंगे ना। अब हमने पढ़ाई करी, इंडिपेंडेंट हो गए, बहुत से आप किस फील्ड में आप जा रही हैं, खुद मेरी बेटियों को देख रहे हैं कि बहुत ही ऊंचे पद पे हैं। तो कहीं ना कहीं हमने बच्चों को सिखाया, तो बच्चे अपने बच्चों को भी तो ये ट्रेनिंग देंगी ना। तो एक आज़ादी वाली थी कि हमने आज़ादी का मतलब हम लोग गलत ना लगाए, आज़ादी का मतलब होता है हमारा सोचने का, हमारा निर्णय लेने का, हमारे खुद के जीने का एक मेरा अपना अधिकार होना चाहिए जिस पे सिर्फ और सिर्फ एक महिला का ही। मेरी दो बेटियां और एक बेटा है, और मेरे घर में शायद आपको आश्चर्य होगा कि मेरे बच्चों की परवरिश से लेके पढ़ाई में कहीं भी कोई अंतर नहीं। और आज भी मेरे बच्चे को ये पता नहीं है कि बहन का ये ड्यूटी है और मेरा भाई का ये ड्यूटी है, ये हमारे घर में नहीं होता। इससे हमने महसूस किया कि बच्चे मेरे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हैं और जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और सोच भी उनकी बहुत पॉजिटिव है। आपको क्या लगता है कि महिलाओं की आज़ादी की बात सिर्फ महिलाएं ही करें, या साथ पुरुषों को भी आके ये आवाज़ उठानी चाहिए कि नहीं, महिलाओं को आज़ादी मिलनी चाहिए?
नहीं, दूसरों को भी आना चाहिए, उनके घर में उनकी बेटियां हैं, उनकी बहनें हैं, बीबी है, और सबसे बड़ी चीज़ उनकी माँ है जो महिला है, तो पुरुषों को आगे आना चाहिए क्योंकि वो भी इंसान है, उनके अंदर भी थोड़ी समझ होनी चाहिए कि हमारे साथ जो है उसको भी थोड़ा वही मिलना चाहिए कि आप कोई आप भीख नहीं दे रहे हैं, वो राइट है हमारा। तो पुरुषों को तो सोच बदलनी होगी, अगर वो पुराने ज़माने की उनकी सोच है तो रूढ़िवाद सोच से अलग होना होगा। इंडिपेंडेंस डे के मौके पर आप जय बात के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे लोगों की सोच में परिवर्तन आ सके? बिल्कुल, ये तो उन लोगों को देना चाहेंगे, पूरे समाज को, महिला और पुरुष दोनों को, कि दोनों एक दूसरे के लिए एक अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें। और महिलाओं को बिल्कुल ये कहना चाहेंगे कि आज़ादी मिल चुकी है और आप मन से भी आज़ाद हो जाएं, लेकिन थोड़ी सी इसके लिए आपको मेहनत ये करनी होगी कि आप अपना जो भी कर रही हैं उसको 100% करिए और खुश रहिए और पॉजिटिव सोचिए, तो आज़ादी तो अपने आप आपकी, मन की आज़ादी तो तन की आज़ादी, और तन की आज़ादी तो परिवार की आज़ादी, और परिवार की आज़ादी तो एक अच्छे समाज की आज़ादी। दर्शकों, ये थी हमारे साथ जानी मानी चिकित्सक डॉक्टर बिंदा सिंह, जिन्होंने बताया कि महिलाओं की आज़ादी बहुत ज़रूरी है, महिलाओं को हर स्तर पर आज़ादी मिलनी चाहिए, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो या मानसिक तौर पे हो। आज हम बात डिजिटल इंडिया की करते हैं, लेकिन आज भी देश की 60% महिलाएं पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो पाई है। ऐसे ही विभिन्न जगत की महिलाओं से हम बात करेंगे कि आज़ादी के सही मायने क्या हैं। फिर हम मिलेंगे नए चेहरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।